आएंगे पारा शिक्षक, क्या पार्टी की ओर से इन लोगों को कहना चाहेंगे? मांगे पूरी नहीं हो रही है, मानदेय वेतन मांग कभी दूर होता है। देखिए बात स्पष्ट है, जब बीजेपी की सरकार थी उसमें पारा शिक्षक लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, लोग महीनों दिन बैठे रहते थे, मोराबादी में किए, राजभवन किए, बहुत आंदोलन किए। लेकिन जब उस समय जैसे ही चुनाव आए और हम नहीं, महागठबंधन के जितने हम लोग साथी थे, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो या जेएमएम, सब लोगों ने अपने अपने एजेंडा में दिया था कि पारा शिक्षक को हम लोग जो मानदेय जो वेतन है उसको हम लोग देंगे, बाकी ये सब हमारे एजेंडा में था। लेकिन अभी हम लोग उसको दे नहीं पाए हैं, तो जो हम वादा किए हैं उसको तो पूरा करना पड़ेगा, अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर से वही रोड पे आएंगे। वही लगभग 40 दिन हो गए पंचायत सचिवालय वाले लोगों को, भी 90 दिन हो गए, उन लोगों को वेतन मानने हम कैसे मैं इसके लिए तो हम लोग गए थे और जाके हम लोग बोले थे, हम लोग बात मुलाकात किए थे उससे, हम लोग बोले कि हम लोग बात करेंगे, अपने जो हमारे मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, उनके थ्रू हम लोग सीएम से हम लोग बात करेंगे कि उनकी जो जेन्युइन मांग है उसकी पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को झूठा वादा नहीं करना चाहिए, अगर वादा किए हैं कि हम मांग को पूरा करेंगे तो उस मांग को पूरा करना चाहिए, अगर हम जेन्युइन मांग है तो सीएम साहब को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसको किस तरीके से मिलेगा लोकसभा चुनाव? ओके, राजद अभी झारखंड के हम लोग सीट है 14 लोकसभा सीट पे हम लोग का तैयारी चल रहा है और जोर शोर से तैयारी चल रहा है। ये सब सारे प्रकोष्ठ के लोग अपना अपना बैठक कर रहे हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक अपना कमेटी बनाए। हम लोग एक सशक्त संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमको लगता है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड का अहम भूमिका होगा और उसके लिए हम लोग पूरा कम कस के तैयार। कितने सीटों पर रहेगी दावेदारी, मजबूती आप देखते हैं क्षेत्रों में, आप राजद मजबूत है? दावेदारी हम लोग 4 सीट का हम लोग दावेदारी, यहाँ के जो हम लोग जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता है, हम 4 सीट का हम लोग दावेदारी किए हैं कि 4 सीट हम लोग को बनता है, 4 सीट पे हम लोग मजबूत हैं, वो 4 सीट हम लोग को मिलना चाहिए, बाकी का निर्णय लेना हमारे सुप्रीमो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनको निर्णय लेना है कि कितने सीट पर, अगर जो उनका निर्देश होगा उसको हम लोग भलीभांति पालन करेंगे और इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन को जिता के हम लोग केंद्र में एक सूत्री कार्यक्रम है, हम लोग केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हम काम करेंगे।